वेलकम डियर व्यूअर्स, आज के इस इंग्लिश स्पोकन के वीडियो में हम लोग कुछ नए सेंटेंस को सीखेंगे जो कि आपके डेली के यूज में बोला जाता है, डेली यूज में आते ये सेंटेंस आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुछ सेंटेंस को सीखा था, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था हाउ आर यू, तुम कैसे हो, वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, टेक केयर इट, इसका ध्यान रखना, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है, प्लीज सिट डाउन, मेहरबानी करके कृपया करके बैठ जाइए, इतना हम लोगों ने सीखा था। आगे हम लोग सीखते हैं, अगला सेंटेंस है प्लीज, गो देयर, देखिए इसमें प्लीज सेंटेंस यूज किया गया है, ये पोलाइट वर्ड के लिए यूज किया जाता है, आप गो देयर वहां जाओ ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें पोलाइट शब्दों को, अपने सेंटेंस को, अपने वाक्यों को, आपका जो जुमला है उसको आप अगर पोलाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें प्लीज लगाना होगा, तो ये प्लीज गो देयर मीन्स कृपया कर, मेहरबानी करके, कृपया कर वहां जाएं, वहां जाएं। उसके बाद अगला सेंटेंस है प्लीज कम हियर, हम कम लिखते हैं, कम हियर, यहां आओ, इसको पोलाइट बनाने के लिए जैसे यहां प्लीज लगाया गया है यहां भी हम प्लीज लगाएंगे, प्लीज कम हियर, कृपया कर, कृपया कर या कृपया यहां आओ, यहां आओ या आए, कृपया यहां आए। उसके बाद है व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी क्या समस्या है, मीन्स आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या समस्या है। उसके बाद है हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर, ध्यान से, ध्यान से रखना, उसके बाद है विच इज योर होम, विच इज योर होम, आपका घर, आपका घर कौन है। उसके बाद है दिस इज होम, यह किसका घर है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था हाउ आर यू, क्या हाउ आर यू, आप कैसे हैं, वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ है। जब हम पूछते हैं ऐसे कि आपका प्लेस के बारे में जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ है। उसके बाद है वेयर आर यू गोइंग, पूछना हो आप कहाँ जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, वेयर आर यू गोइंग।
उसके बाद हम लोगों ने सेंटेंस सीखा था व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये पूछ रहा हूं हमें आप क्या कर रहे हो, तो क्या कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग। अगर हमें कोई सामान किसी को दे रहे हैं या कहीं पे रख रहे हैं, अगर अगले को कहते हैं इसका ध्यान रखना है, तो हम क्या करेंगे टेक केयर इट। उसके बाद हमें किसी की राय जाननी है, किसी मसले पर किसी की राय जाननी है, तो हम क्या कहेंगे व्हाट इज योर ओपिनियन। उसके बाद अगर हम कोई हमारे सामने खड़ा है तो हम उनको बैठने के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन भी बोलते हैं लेकिन मोस्टली ये अनपोलाइट सेंटेंस कहलाता है। पोलाइट सेंटेंस में हमें प्लीज लगाना पड़ेगा। उसके बाद गो दियर, गो दियर, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, गो दियर, वहां जाओ, लेकिन इसमें भी हम पोलाइट वर्ड प्लीज लगा करके इस सेंटेंस को पोलाइट बनाते हैं। पोलाइट वर्ड प्लीज लगाते हैं तो ये पोलाइट सेंटेंस, प्लीज प्लीज गो देयर, कृपया कर वहां जाओ, मेहरबानी करके वहां जाओ। उसके बाद प्लीज कम हियर, इसी तरह से हम बोलते हैं कि यहां आओ, तो इसमें हम पोलाइट वर्ड प्लीज लगा करके अपने सेंटेंस को पोलाइट बनाते हैं। प्लीज कम हियर, कृपया कर मेहरबानी कर यहां आइए या यहां आओ। व्हाट इज, अगला सेंटेंस है व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी क्या समस्या है, आपका क्या मसला है। उसके बाद है हैंडल विद केयर, हम कोई सामान रखा जाता है, आप देखेंगे कार्टून होता है जो ब्रेक जिसमें ब्रेकेबल सामान होता है, जो सामान टूट सकता है, तो उसपे लिखा होता है हैंडल विद केयर, मतलब इसे ध्यान से रखना, आराम से रखना। उसके बाद है विच इज योर होम, आप किसी गांव पे कोई मोहल्ले में है अपने किसी के साथ, और अगर उनका घर जानना चाहते हैं तो आप कैसे पूछते हैं विच इज योर होम, आपका कौन सा घर है। उसके बाद है दिस इज होम होम, आगे हम देखते हैं अगल बगल में और भी घर होता है तो हम जानना चाहते हैं किसका घर है, तो हम क्या कहेंगे दिस इज होम होम। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके डेली यूज में आता है। उम्मीद है कि इस ये सारे सेंटेंस आपको इंग्लिश को बोलने में, डेली यूज के वाले सेंटेंस में आपको हेल्पफुल होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और आप चाहते हैं कि मैं यूं ही आप लोगों के लिए और वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इम्तियाज एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, और मेरे वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आप अपना कमेंट करें, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू टू मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।